ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅਮਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਆਗਮਨ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਹਾਵੀਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੌਹਰ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਜਾਵਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ और बड़ी संगत आती है। रात 12 बजे आरती का होएगा। असी पिछले महीने सावण का पूरे दिन शिवाले की आरती कराई है। किसी दिन किसी दिन चार चार फैमलियां पांच पांच फैमलियां ने की है। अखीरले दिन असी 51 आरतियां कीतियां ने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 5251 जो कृष्ण जन्म जी कृष्ण जी का जन्म है उस दिहाड़े के उत्ते महावीर मंदिर सभा अमरपुरा वालों महावीर मंदिर अमरपुरा के बड़ी धूमधाम मनाया जा रहा है, जिस दिव्य ज्योति जागृति मंच द्वारा कथा की जाएगी, सत्संग किया जाएगा और संगतों को इस कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के बारे ज्ञान दिता जाएगा कि कृष्ण जी 16 कंपला संपूर्ण होंदे हुए भी उन्होंने पापियों का संहार करने वास्ते इस धरती के उत्ते जन्म लेना पाया। ये जिहड़ा कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है ये सानू दसदा सानू सिक्ख्या दिंदा कि जदों जदों धरती के उत्ते धर्म दबदया उदों उदों संता ऋषिया मुनिया ने इस धरती के उत्ते जन्म लैके दुष्टों का संहार किया है। आज का जो ये पावन पवित्र 5251 भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का प्रकट दिवस है, मेरी ओर से आचार्य पंडित नरेश शास्त्री की ओर से सभी शहर निवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज का जो ये कार्यक्रम है महावीर मंदिर सभा की ओर से मोहल्ला निवासियों के सहयोग से हर वर्ष इसी प्रकार से बड़े उत्साह के पूर्वक मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि जो अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले, समर्थ होते हुए भी पाप का खात्मा करने के लिए, कंस का विनाश करने के लिए और धरती के ऊपर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने आज अपना जन्म लिया था। प्रकट दिवस है उनका। लुधियाना लाइवली संजय सेतिया की रिपोर्ट।